हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के NIUS DLED इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। आप सभी के कोर्स नंबर 502 ब्लॉक 3 यूनिट 11 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन होगी। टॉपिक है एजुकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन ऑन द स्क्रीन। पहला क्वेश्चन होगा, हाउ डज अ टीचर कॉन्टेक्सटुअलाइज टेक्स्ट बुक नॉलेज। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल वाई गर्ल्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इशूज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन इन ए स्कूल। क्वेश्चन नंबर 4, वट कैन यू डू टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन इन योर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 5, वाई एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप इज सो इंपॉर्टेंट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक की बटन यहाँ पे होती है। जितने भी व्यूवर्स हैं तुरंत लाइक करें वीडियो को यहाँ से जाके, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें रेड बटन पे क्लिक करके, और बगल की बेल की बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। बिफोर स्टार्टिंग, आप सभी ये जान लें कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से पास करना चाहते हैं, देन गो एंड वॉच ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट नंबर 42। द लिंक्स आर गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शंस। जाएँ सारे वीडियोज़ को देखें। लेट्स बिगिन। और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, सभी के जो आंसर्स हैं वो पॉइंट वाइज है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको लिखना है। सो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन 150 वर्ड्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ टीचर कॉन्टेक्सटुअलाइज टेक्स्ट बुक नॉलेज। द आंसर इज हियर। आप अपने PDF में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। डिटेल्ड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, फाइंडिंग द लर्निंग इंडिकेटर्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एंड द थर्ड पॉइंट इज गैदरिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑन डिफरेंट लर्निंग पॉइंट्स। यू कैन राइट मोर पॉइंट्स लाइक लिंकिंग चिल्ड्रंस नॉलेज और एक्सपीरियंसिस विद द टेक्स्ट बुक नॉलेज, प्रिपेयरिंग ओन टेक्स्ट इफ नीडेड। सो इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं क्योंकि आपको 150 वर्ड्स में ही लिखना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, डिटेल्ड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक। मेनी अ टाइम टीचर्स एंटर द क्लास एंड स्टार्ट टीचिंग, हार्डली हैव दे रेफर्ड टू द टेक्स्ट बुक बिफोर हैंड। एज अ रिजल्ट दे फेस प्रॉब्लम टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट बुक नॉलेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। टू कॉन्टेक्सटुअलाइज द टेक्स्ट बुक नॉलेज फॉर द स्टूडेंट्स, द टीचर हैव टू रेड द टेक्स्ट बुक अगेन एंड अगेन सो एज टू आइडेंटिफाई प्लग पॉइंट्स टू साइट लोकल एग्जाम्पल्स। दूसरा पॉइंट, आप कोई भी छोटा पॉइंट ले सकते हैं, जैसे गैदरिंग द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑन डिफरेंट लर्निंग पॉइंट्स। वेन द टीचर फाइंड्स द लर्निंग इंडिकेटर्स, ही और सी हैज़ टू गैदर रिलेटेड लोकल नॉलेज टू फिट इन। ही और सी कैन गेट दिस नॉलेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अदर टीचर्स और कम्युनिटी पीपल एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन राइट दिस पॉइंट, लिंकिंग चिल्ड्रंस नॉलेज और एक्सपीरियंसिस विद टेक्स्ट बुक नॉलेज। वेन अ टीचर नोज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्ट, ही और सी हैज़ टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिस एंड टेक्स्ट बुक नॉलेज। फॉर द पर्पस द टीचर हैज़ टू मेक नोट ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसिस फॉर ईच लर्निंग इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिपरेशन में बी डिफरेंट इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। सो ये है 3 पॉइंट्स, यू कैन राइट ऑल द 3 पॉइंट्स। आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब इन डिटेल वाई गर्ल्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वाई गर्ल्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो यू कैन राइट गर्ल्स एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टुवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, टुवार्ड्स एजुकेशन एंड एफिशिएंसी इन वर्किंग प्लेस, रिमूवर ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। यू कैन ऑल्सो राइट मोर पॉइंट्स लाइक family, health and education, for improved child care, fertility rate and economic growth. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं और अपने से भी लिख सकते हैं, एंड यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स। सो लेट्स रीड वन पॉइंट, दैट इज टुवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। इन रीसेंट टाइम्स वुमेन थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव अटेंड एक्सेलेंस इन एवरी ह्यूमन एंडीवर। Having access to proper education, women have achieved at par with men and even have excelled in many fields. To aim at such women empowerment, education is the key and early education of the girls provides the base for it. एक और पॉइंट आप लिख लें, जैसे removal of gender inequality, education of girls lead to empowerment and thus reduces iniquitous status of girls and women otherwise given in a lower position in the family and in the workplaces. You can write one more point because we have to write the answer in 150 words. Improved child care. When a girl is educated, she not only becomes a good mother in future but can take better care of their children in the family. So you can write 3 points or you can write one more also. So ye kafi important question hai. Chalte hain hamare next question pe. Next question hai, write down the issues related to girls education in a school. So this is also very important question, the issues related to girls education. So you will get the answer here. So you have to write point wise.
इशूज ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन स्कूल. पॉइंट नंबर वन इज एसेस एंड इनरोलमेंट. सेकेंड पॉइंट इज अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट. थर्ड पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. फोर्थ पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस इन टेक्स्ट बुक्स. पाँचवा पॉइंट है आपका, पाँचवा पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, मिथ्स अबाउट लर्निंग परफॉर्मेंसेज. तो ये पाँच पॉइंट हैं, आप इनमें से कोई भी तीन पॉइंट लें. यू कैन चूज एनी थ्री पॉइंट्स एंड यू कैन राइट बाय योर ओन, बिकॉज व्हाट आर द इशूज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन. आप सभी टीचर हैं, यू ऑल आर टीचर्स, आप सभी जानते हैं इस बात को, सो यू कैन राइट ईजिली. तो सबसे पहले इसमें से एक पॉइंट हम डिस्कस कर ले. फॉर एग्जाम्पल, मिथ्स अबाउट लर्निंग परफॉर्मेंसेज. देयर आर सेवरल कॉमन बिलीव्स अबाउट गर्ल्स लर्निंग अचीवमेंट्स. सम सच बिलीव्स आर गर्ल्स आर पुअर अचीवर्स देन द बॉयज एट एनी एज और ग्रेड लेवल. गर्ल्स आर पुअर परफॉर्मर्स इन मैथमेटिक्स एट एनी लेवल देन बॉयज. गर्ल्स परफॉर्म बेटर इन लैंग्वेज लिटरेचर एंड पोएट्री देन बॉयज. गर्ल्स आर बेटर इन वर्बल फ्लुएंसी एंड आर्टिस्टिक एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, वेयर इज बॉयज आर बेटर इन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड फिजिकल मोटर एबिलिटीज. तो आप इसी तरह से अपने से भी लिख सकते हैं. यू हैव ऑल द पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को बस यूज़ करेंगे एंड यू कैन राइट द आंसर योर सेल्फ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन योर स्कूल. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट द प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन क्वेश्चन, यू कैन राइट बाई योर ओन ऑल्सो दैट वट प्रोविजन्स वुड बी टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, सेवरल पॉइंट्स आर गिवन. फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. सेकेंड पॉइंट इज ensuring separate toilets for girls, availability of incentives in time. Fourth point is involving girls in all activities. Fifth point is more group learning. Sixth point is bias-free classroom interactions. So there are six points given in this whole answer. So you can write 3 to 4 points. For example, we are taking community mobilization. Continuous interactions with parents, especially mothers, is to be made for the enrollment, regular attendance and performance of girl children. The members of the school managing committee, mother teacher association, self-help groups and other opinion makers should be sensitized for mobilizing communities in favor of girls education in their respective schools. In the direction, you should take the first initiative. Second point, आप लिख सकते हैं ensuring separate toilets for girls. ये एक common topic है, आप सभी लिख सकते हैं. You can write, you have not to look at this. So you can write on this topic also. Next point is more group learning. You must create more scope for group and peer learning in which girls can participate without any restrictions. Such free and purposeful group interactions helps in minimizing gender discrimination in the class. आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, involving girls in all activities. You need to specifically ensure the participation of girls in all types of activities conducted in schools. No activity should be specifically marked only for boys or only for girls. So these are some points which will help you a lot in writing the answer. So जो question था हमारा, what can you do to promote girl education in your school? So there are many points, you can go and you can refer to the answers, the description. आपको PDF मिल जाएगी. Next question है and the last question is, why education of the minority group is so important? काफ़ी important ये question है और ऐसे questions आपसे पूछे जा सकते हैं examination में about the minority groups, that why education is important for the minority groups. So here you will get the answer about the minority groups. So यहाँ पे आपको answer मिलेगा, equality of opportunity, non-discriminatory treatment, respect for the composite culture, diversity in the social system, inclusive learning environment. तो ये कुछ points दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. The why education of the minority group is so important. Here is the question और यहाँ पे आपको view दिया गया है, equality of अपॉर्चुनिटी. ये कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पैराग्राफ को लिखेंगे, बिकॉज दीज आर कॉमन टॉपिक्स, कॉमन आंसर्स. आप एक टीचर हैं, आप इसे अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे तो और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, आप लिख सकते हैं. यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन रीड द आंसर्स. रिस्पेक्ट फॉर कंपोजिट कल्चर, अगर आप आंसर पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके आंसर पढ़ सकते हैं. आई होप कि आपको बड़ा बड़ा दिख रहा हो, सो यू कैन रीड ही फ्रॉम हियर ओनली. तो आप जाएं यहाँ से पढ़ सकते हैं अपने स्क्रीन पे ही. नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन सोशल सिस्टम, इन विच यू कैन रीड दिस होल. और आप इसमें से भी कुछ पॉइंट्स लें, अपने भी कुछ पॉइंट्स लें एंड यू कैन राइट दिस आंसर ईजिली. सो ये थे हमारे 5 के 5 क्वेश्चंस. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व दैट. हमेशा एक चीज़ का याद रखें, ध्यान रखें कि वाइल गिविंग योर एग्जामिनेशन कभी भी किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑलवेज राइट
पॉइंट वाइज, अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे जो आपकी कॉपी को साइन करेंगे कि हाँ यू आर नॉट जस्ट राइटिंग द समरीज, यू आर राइटिंग द करेक्ट थिंग. सो यूज़ राइट ऑलवेज पॉइंट वाइज एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि 150 शब्द जो है 150 वर्ड जो वर्ड लिमिट है ये कभी क्रॉस ना हो. क्रॉस हो तो 5-10 वर्ड का फ़र्क हो, बाकी उससे ज़्यादा ना हो और ना ही कम में हो, क्योंकि ये आपके मार्क्स को कट करेंगे. इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू विल राइट इन 1 पेज 2 पेज आपको नंबर मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा. सो द 5 मार्क्स क्वेश्चन इज ऑफ 150 वर्ड्स एंड द 10 मार्क क्वेश्चन इज ऑफ 500 वर्ड्स. तो कीप दिस इन माइंड, सपोर्ट योर चैनल और वीडियोज़ को शेयर करें. 2 दिनों से वीडियो आपके चैनल पर नहीं आ रही थी, आई वॉज बिजी इन सम काइंड ऑफ स्टफ. तो सब्सक्राइब योर चैनल, शेयर दिस वीडियो, और वीडियो कैसी लगी नीचे ज़रूर कमेंट में बताएंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय. लॉन्ग लिव इंडिया.